प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब भारत और चाइना के बीच में सीमा पर तल्खी हुई थी, तब मैंने कुछ वीडियो यहां पर अपने इस YouTube चैनल पर डाले थे और उसमें मैंने कहा था कि किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है और किन ग्रहों के कारण से हो रहा है और आने वाले समय में ये किस तरह की रूपरेखा तैयार होगी, इसके बारे में मैंने आपको पूर्व में आकलन करके बताया था। और अपने एक वीडियो के अंदर पिछले कुछ समय पहले मैंने जो एक वीडियो डाला था उसमें भी मैंने कहा था कि जैसे ही अमेरिका के अंदर ट्रंप सत्ता छोड़ेंगे, बाइडेन सत्ता संभालेंगे, उसके बाद में आपको भारत और चाइना के बीच में जो सीमा पर विवाद है उसमें आपको कमी होती हुई नजर आएगी। लेकिन मैंने एक बात और वहां पर कही थी, जब तक WHO अपनी जांच पूरी नहीं कर लेता है और यहां पर किसी भी तरह से चाइना को अगर उससे कोई खतरा नहीं होता है तो उसके बाद में वो भारत के साथ अपने विवादों को भी ठंडे बस्ते में डाल देगा, क्योंकि यहां पर भारत को वो केवल और केवल अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और दर्शकों, जैसे ही आप लोगों ने एक दो दिन पहले न्यूज में देखा होगा कि यहां पर WHO ने यह कहा है कि ऐसे कोई सबूत हमें यहां नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से यह पता लगे कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से फैला है, और जैसी एक राहत की खबर चाइना को मिली है उसने अपने सैनिक भी पीछे करना शुरू कर दिया है। दर्शकों, ब्रह्मांड के अंदर बन रही ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर यह बहुत ही आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह के माहौल के अंदर अपने आप को लेकर आने वाला है, यानी कि यहां पर उसकी कोई चाल होगी, वो वास्तव में मजबूती से कोई प्रयास कर रहा है या कोई परिस्थिति ऐसी हो रही है जिसका कि यहां पर होना अवश्यंभावी था, यानी कि जो परिस्थितियां बॉर्डर पर बनी वो केवल और केवल डिफेंसिव मोड में चाइना के द्वारा क्रिएट की गई थी जिसका भारत की सीमा के साथ कोई संबंध नहीं था। लेकिन चूंकि विश्व चाइना को लेकर के बहुत ज्यादा आशंकित था, इसीलिए चाइना ने अपना ध्यान हटाने के लिए भारत को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। और जैसे ही WHO की क्लीन चिट उसे मिलेगी, उसके बाद में यहां पर भारत के साथ उसके रिश्ते भी बदल जाएंगे, यानी कि जो तल्खी अभी वो दिखा रहा है उसमें वो नरमी जरूर ले आएगा। एक उद्देश्य उसका पूरा हो गया, बाइडेन वहां पर अमेरिका में राष्ट्रपति बन चुके हैं, और दूसरा WHO की क्लीन चिट अगर उसे मिल जाए तो यहां पर चाइना के ऊपर से एक बहुत बड़ा खतरा जो मंडरा रहा था वो पूरी तरह से हट जाएगा, और इसके बाद में वो यहां पर भारत के साथ में उसी तरह का व्यवहार करेगा जैसा वो कोरोना काल से पहले कर रहा था। यानी कि यहां पर व्यापारिक झगड़े जरूर होंगे लेकिन सीमाओं को लेकर के जो विवाद है वो अब यहां पर लंबा नहीं चलने वाला है। दर्शकों, इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की जो परिस्थितियां बनती हैं वो हमें पूर्व में ही इस चीज का आकलन करवा देती है कि ये जो परिस्थिति बन रही है ये किस तरह से अपना मोड़ लेगी, यानी कि इस परिस्थिति को लेकर के हमें कितना चिंतित होने की आवश्यकता है। क्या ये परिस्थितियां हमें बहुत बड़े संकट में डालेंगी या थोड़े समय के लिए हमें परेशान करेगी, या ये हमारे को अपने काम से भटकाने के लिए, अपने रास्ते से भटकाने के लिए किसी और के द्वारा क्रिएट की गई परिस्थिति है, इसका आकलन ग्रहों के आधार पर बहुत ही आसानी से हो जाता है। और उसी का आकलन करके मैंने अपने वीडियोस के अंदर चाइना को लेकर के जो चीजें थी मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर आप लोगों के सामने रखी। हालांकि YouTube पर बहुत ऐसे वीडियोस थे जिसमें कहा गया कि चाइना के टुकड़े हो जाएंगे, वर्ल्ड वार होगा, भारत चाइना के बीच युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन मैंने हर वीडियो के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल पूरी कैलकुलेशन करके आप लोगों को यह बताया था कि यहां पर कब कब किस तरीके से भारत और चाइना के संबंधों में मोड़ आएगा, और ये बात अब आपको हकीकत होती भी नजर आ रही है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको भारत और चाइना के संदर्भ में जो परिस्थिति बनी उसका कारण क्या रहा और उसका आने वाले समय में परिणाम क्या रहेगा उसका पूर्व आकलन करके मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।